हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करवाई थी। तो आज हम आपको 9.3 शुरू करवा रहे हैं, जिसमें जीपी दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में आप जीपी बोल सकते हैं। तो बच्चों, एपी हमने डिस्कस की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें बताया था कि जनरल एपी होती है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो बच्चों, इसमें क्या था, कंसेप्टिव डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड का डिफरेंस सेकंड के साथ, एंड सो ऑन, फोर्थ का डिफरेंस थर्ड के साथ, एंड सो ऑन, सेम होता है। देखिए, ए प्लस डी माइनस ए, ए प्लस टू डी, जब इसको माइनस किया तो बच्चों एंड सो ऑन, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी डी सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमने एपी में पढ़ा था कि अगर कंसेप्टिव डिफरेंस सेम होगा तो वो आपकी एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। कोई एग्जांपल 2, 4, 6, इनमें देखिए डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम चल रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो वो आपकी एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एक सिंपल आपको सीक्वेंस लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो देखिए बच्चों, इसमें 4 का डिफरेंस 2 के साथ 2 है, 8 का डिफरेंस 4 के साथ 4 है, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी तो नहीं है। तो क्या रेशियो सेम आ रही है? अगर मैं सेकंड टर्म की रेशियो फर्स्ट के साथ देखता हूं, सेकंड की रेशियो फर्स्ट के साथ देखता हूं, तो बच्चों इट इज 2। अगर मैं थर्ड टर्म की रेशियो सेकंड के साथ देखता हूं, इट इज अगेन 2। अगर मैं फोर्थ टर्म की रेशियो थर्ड के साथ देखता हूं, इट इज अगेन 2 एंड सो ऑन। अगर तो कंसेप्टिव डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर कंसेप्टिव रेशियो, अगर रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेप्टिव टर्म्स इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड जीपी। तो देखिए, सेकेंड की रेशियो फर्स्ट के साथ 2 आंसर आ गया, थर्ड की रेशियो सेकंड के साथ 2 आ गया, फोर्थ की रेशियो थर्ड टर्म के साथ 2 आ गया, एंड सो ऑन चली जा रहे हैं। तो इट इज अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे जनरल एपी ये वाली होती है, तो इसी तरह से जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, याद रखेंगे, ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म ए, एपी में इसमें फिक्स नंबर ऐड किया जाता था डी, फिर अगली टर्म मिलती, और जीपी में फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म कैसे मिल रही है, इसको किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म मिल रही है, वो आर, आर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए आर, ठीक है बच्चों। इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म मिल गई, एंड सो ऑन। तो देखिए, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है। अगर 3 लिखा है तो पावर 2 है, 2 लिखा है तो पावर 1 है। अगर यहां पे 2 है तो एक कम है पावर, 3 है तो आर की पावर एक कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए, अगर यहां पे एन है तो आर की पावर एन माइनस 1। दिस इज जनरल टर्म, जैसे हमने एपी में बताया था, और nth टर्म और लास्ट टर्म। तो कोई भी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म से निकालनी है, इस फॉर्मूले से निकालनी है, n की वैल्यूज पुट करी जाओ, 1 पुट करो, देखिए दिस इज जनरल टर्म, n को 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, तो बच्चों एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो आपकी फर्स्ट टर्म बन गई। r को 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 ए आर की पावर 1 दैट इज ए आर, तो जीपी की सेकेंड टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब कोई भी टर्म निकालनी है
जीपी की इस जनरल टर्म से निकालनी है, जैसे एपी की जनरल टर्म हमने बताया था ये होती है। तो सारे क्वेश्चंस एपी की तरह ही होंगे, सिर्फ एनम टर्म चेंज हो गई है और रूल आपको समझ आ गया है। बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 9.3। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। आपको जो जीपी गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। अगर यहां पे मेंशन है ये जीपी है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये जीपी है या नहीं है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इट इज जीपी। चेक कैसे करते हैं? अगर रेशो सेम होगी तो वो जीपी होगी, जैसे डिफरेंस सेम होता है तो एपी होती है, उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर रेशो सेम होएगी तो वो जीपी होएगी, उस रेशो को बोलते हैं कॉमन रेशो। बच्चों डिफरेंस को डी से डिनोट किया, कॉमन रेशो को आप आर से डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी टर्म जीपी की निकालनी है एनएफ टर्म से निकालनी है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म जिसको आप स्मॉल ए कैपिटल ए लिख सकते हैं, इट इज गिवन टू बी 5/2। तो सेकंड टर्म इज व्हाट 5/4। तो ये तो जीपी है, तो इसलिए रेशो निकालने के लिए, आर निकालने के लिए सिंपली आपने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया। एपी में सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट से जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन रेशो निकालने के लिए जिसे हम आर बोलते हैं, आपने सिंपली सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो जो डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो ये 2/5 बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो इट इज 1/2। तो कॉमन रेशो मिल गई 1/2। कोई भी टर्म निकालनी है जनरल टर्म से निकालनी है। nth टर्म उसने पूछा है, इट इज गिवन बाय द फार्मूला ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। बच्चों फर्स्ट टर्म इज ए, इट इज गिवन टू बी 5/2, रेशो इज 1/2, ठीक है, एन की जगह पे एन ही रहेगा क्योंकि हमें nth टर्म निकालने को बोला है, तो इट इज इक्वल टू 5/2। 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो, 1 की पावर 2 मींस 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 की पावर 3 मींस दैट 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 की पावर n माइनस 1 का मतलब है 1 n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर n माइनस 1। बच्चों 5 इंटू 1 5, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर्स को जब ऐड करेंगे देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो आपकी nth टर्म बन जाएगी 5/2 की पावर n। दिस इज nth टर्म ऑफ द जीपी। क्लियर हो गया सबको? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 5/2 रेज टू पावर n। तो बच्चों हमने nth टर्म निकाली, जनरल टर्म निकाली, अब हमें 20th टर्म चाहिए। तो कोई भी टर्म जीपी की nth टर्म से मिलती है, सिंपली आपने n की वैल्यू पुट करनी है, तो दिस इज 2^20। तो यहां पे इसको आंसर लिख दो, क्योंकि 2 की पावर 20 वहां पे खोले मत बैठ जाना, काफी लेंथी बनेगा, मुश्किल टाइम की जरूरी है, ठीक है। 2 की पावर 20 आप इसका आंसर लिख दो 5/2/20, यहां पे छोड़ सकते हो आंसर। क्लियर सबको? तो नेक्स्ट वही है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हूज एट्थ टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो वी हैव टू फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हूज एट्थ टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हमें मेंशन नहीं है, हमने सपोज कर लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी की फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर हमें गिवन है इट इज 2।
also given that eighth term of GP is 192. तो कोई भी टर्म निकालनी है जनरल टर्म से निकालनी है. जनरल टर्म होती है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन. तो एन को एट पुट करेंगे. ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो बच्चों आर की वैल्यू पता है टू रेस टू पावर एट माइनस वन. एन की जगह पे एट क्यों पुट किया क्योंकि एट टर्म हमें गिवन है इट इज 192. तो टी एट मीन्स दैट एट टर्म की वैल्यू 192 गिवन है. तो 2 की पावर 7 बन जाएगी. तो बच्चों 2 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये 128 आ जाएगा. फाइन. तो a निकालने के लिए आपको 128 इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा. तो इसको कटिंग करेंगे 4 4 3 12 4 2 4 4 16 3 2 4 8 32 4 8 4 12 4 2 4 3. तो आफ्टर कटिंग सिंप्लीफिकेशन ए की वैल्यू 3/2 मिल गई. बच्चों ए मिल गया आर मिल गया. तो आपने 12th टर्म निकालनी है. तो कोई भी टर्म जनरल टर्म से मिलती है दिस इज जनरल टर्म. तो आपने एन को 12 पुट करना है. तो एन की जगह पे 12 पुट करिए ए आर 12 माइनस वन. बच्चों 12th टर्म इज 3/2 ए की वैल्यू. आर की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास r की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है. तो 2 की पावर 11. तो फाइनली बच्चों देखिए ये 2 की पावर 11 है नीचे 2 की पावर 1 है तो 2 एक कट जाएगा तो 2 की पावर 10 हो जाएगा. तो 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे 1024 आ जाएगा. आप चेक कर सकते हो 4 3 12 3 2 6 फाइनल आंसर इज 3062. ठीक है बच्चों 12 3 6 इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 1024 × 3 12 7 3072 इज द आंसर. काफी आसान क्वेश्चंस हैं एपी के जैसे ही हैं सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो गया है. ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. द फिफ्थ एट्थ and 11th term of GP are given to be P, Q and R respectively. बच्चों P, Q and S है, R नहीं given. S respectively show that, prove that, we have to prove that Q square equals to P into S. तो देखिए बच्चों वी हैव गिवन फिफ्थ टर्म एट्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली. मींस दैट फिफ्थ टर्म पी है फिफ्थ टर्म पी है एट्थ टर्म क्यू है 11th टर्म एस गिवन है. तो हमें ये प्रूव करना है. फर्स्ट टर्म हमें नहीं गिवन. हम सपोज कर सकते हैं लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. तो कोई भी टर्म जीपी की जनरल टर्म से निकालते हैं एनथ टर्म से निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म की बात की है तो हमने एन को 5 पुट किया. फिफ्थ टर्म के लिए एन को 5 पुट करेंगे ए आर की पावर 5 − 1 दैट इज 4. पर फिफ्थ टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है पी तो पी की वैल्यू आ गई ए आर की पावर 4. इसको सेव कर लीजिए स्टोर कर लीजिए. एट्थ टर्म के लिए एन को आप 8 पुट करोगे तो 8 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में ए आर की पावर 8 − 1 = 7. तो एट्थ टर्म हमें गिवन है क्यू तो आप यहां पे इसको सेव कर लेंगे स्टोर कर लेंगे. इन द सेम वे वी हैव गिवन 11th टर्म. 11th टर्म के लिए एन को 11 पुट करेंगे ए आर की पावर 11 − 1 = 10 और 11th टर्म में एस गिवन है ए आर की पावर 10. तो बच्चों नाउ वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है क्यू स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ए आर की पावर 7 फिर उसका स्क्वायर. तो बच्चों ए का भी स्क्वायर
आर की 7 है उसका भी स्क्वायर। तो बच्चों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर की पावर है ना, 7 to the 14 आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनी, इसको स्टोर कर लीजिए 1। राइट हैंड साइड कितनी है, इट इज इक्वल टू पी इंटू एस। राइट हैंड साइड है पी इंटू एस। व्हाट इज पी गिवन, पी है आपको ए आर की पावर 4 एंड एस कितना बच्चों गिवन है, ए आर की पावर 10। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, आर आर से मल्टीप्लाई हुआ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 4 + 10 = 14। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली यू कैन चेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। समझ आया सबको? तो आज हमने जीपी बच्चों शुरू कर दी है, आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी सिखाएंगे और प्रॉब्ली 1 या 2 दिन लगेंगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपका जीपी तक ही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।